मैं नितेश गुप्ता, आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे आज हम बात करने जा रहे हैं एमएस वर्ड को किस तरीके से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स और वीडियोस हम आपके लिए लगातार ला रहे हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और ऐसे ही हम लगातार आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज लेकर आ पाएँ, आपको सपोर्ट कर पाएँ। तो दोस्तों चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हम वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी अपना डॉक्यूमेंट बनाएं, लिखें, प्रेजेंटेशन बनाएं, इतनी मेहनत से हम सब चीज़ें करते हैं, तो हम कोई वर्ड डॉक्यूमेंट किसी को भेजते हैं तो वो उसको कट कॉपी पेस्ट करके यूज़ ना कर सके हमारी इन्फॉर्मेशन इजीली। देखिए कोई करना चाहे तो उसके बहुत तरीके हैं, बट अगर हम पीडीएफ में कन्वर्ट करें तो कोई भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन है कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है। और यही प्रोफेशनल तरीका है, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको भेजना है तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही हमेशा भेजिए। तो आइए सीखते हैं किस तरीके से वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करें। तो हम ये वर्ड 2013 पे अब आपको बता रहे हैं, 2013 प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर देखिए फाइल पे ये हमने एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल रखा है, आप भी अपना वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लीजिएगा जिसमें आपने अपनी प्रेजेंटेशन या सब कुछ बना रखा हो। इस तरीके से देखिए हमने प्रेजेंटेशन बना रखी है। देखिए तो आप किसी को कोटेशन भेजते हैं, प्रेजेंटेशन भेजते हैं, प्रोफाइल पोर्टफोलियो भेजते हैं, तो वर्ड डॉक्यूमेंट पे आपका कोई कॉपी ना कर ले तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिएगा। तो यहाँ फाइल पे हम क्लिक करेंगे, सेव एज पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये डॉक्यूमेंट क्योंकि हमारा डेस्कटॉप पे सेव है तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर ये फाइल का नाम आ गया है जो कि हमने वर्ड में बना रखी है, वर्ड डॉक्यूमेंट में। अब इसी फाइल को हमें चेंज करना है तो सेव एज टाइप में जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए कितने सारे फॉर्मेट आ गए जिनमें हम कर सकते हैं। तो इसको हम पीडीएफ में करेंगे, तो पीडीएफ में हमने क्लिक करा और क्लिक करने के बाद हमने सेव करा। अब सेव करने के बाद देखिए दोस्तों ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये प्रोसेस में है और ये कन्वर्ट हो रहा है पीडीएफ में। अब ये कन्वर्ट हो गया है, आप देख सकते हैं ये वाला हमारा डॉक्यूमेंट का नाम था जो कि डॉट पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। पहला डॉक्यूमेंट हमारा देखिए वर्ड में था, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रोफेशनल तरीके से हम अपना बिजनेस का एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि कोई हमारी करी हुई मेहनत को इजिली कॉपी ना करे, और प्रोफेशनल तरीका यही है। तो दोस्तों आज हमने जाना किस तरीके से एमएस वर्ड को हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अब आप इस चीज़ का यूज़ कर पाओगे अपने डेली वर्क में अगर आपको ज़रूरत है तो। इसके अलावा हम बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स, उनकी टिप्स, उनकी ट्रिक्स आपके लिए लगातार वीडियोज़ बना रहे हैं। दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आपके इसी मोटिवेशन से हमें और ताकत मिलती है और हम आपके लिए और वीडियोज़ लगातार लेकर आएंगे। प्लीज बेल आइकन भी दबाइएगा जिससे कि हम आप तक लेटेस्ट अपडेट्स भी पहुंचा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडा।